हेलो एवरीवन, बहुत मेहनत लगती है टीचिंग करने में, अच्छी चीज़ें सिखाने में। आप देखिए कि ये जो डायग्राम पीछे बना हुआ है, इसको बनाने बनाने में मुझे 1 आवर लगभग लग गया। जितनी आसान दिखती हैं उतनी होती नहीं हैं। टीचिंग करना बहुत ही मुश्किल है। जब मैंने स्टार्ट किया तब से लेकर अब तक के सफ़र, अब तक के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उन सभी टीचर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ भी सिखाने में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। सुबह की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक से, जिसका नाम है साइकोसोशल थेरेपीज, क्लास नंबर 58। 58 क्लास हमारी तैयार हो चुकी हैं। नया टॉपिक है साइकोसोशल थेरेपीज। चलिए शुरू करते हैं, क्या होती हैं साइकोसोशल थेरेपीज डेफिनेशन से। डेफिनेशन मैं भी लिख दूंगा साइड में, पहले मीनिंग समझ लीजिए। इट इज़ अ थेरापूटिक अप्रोच। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह की बहुत सारी थेरेपीज दी हुई हैं। कोई भी बुक गलत नहीं है। किसी ने इस तरीके का क्लासिफिकेशन बना रखा है, किसी ने सेपरेट कर करके दे रखी हैं। किसी की बुक में साइकोएनालिटिक में ही हिप्नोसिस और एवरी एक्शन इसी के अंदर मिल जाएगा। मैंने अलग अलग लिखी हैं। वो ऐसे नहीं पूछेगा कि कौन सी थेरेपी किसमें आती है, वो ऐसे पूछेगा कि इस थेरेपी के बारे में बताइए, इस थेरेपी के बारे में बताइए, या इस थेरेपी का प्रोसेस बताइए कि क्या होता है। तो कंटेंट हमें सारा मालूम होना चाहिए। जो जितनी भी बच जाएंगी वो सब अदर्स में मैंने लिख दी हैं, या और भी मैं ऐड ऑन कर दूंगा अदर्स में। बाकी ये चार्ट आपको याद करना ही करना है। होती क्या है साइकोसोशल थेरेपीज? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत जरूरी बात है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बताइए मेंटल इलनेस का, क्या बोला मैंने, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बताइए मेंटल इलनेस का, और एक ऑप्शन में दे दे साइकोफार्माकोलॉजी यानी मेडिसिन दवाइयां, और एक ऑप्शन में दे दे साइकोसोशल थेरेपीज यूनिट नंबर 4 जो हमारी आज से शुरू हो रही है, तो आप क्या लगाएंगे आंसर? और मैं जानता हूं आपके मन में आंसर चल रहा होगा ये साइकोसोशल थेरेपीज। मुझे एक बात बताइए, सीजोफ्रेनिया हमने पढ़ लिया, इल्यूजन हेलुसिनेशन डिल्यूजन हो रहा है, ऊटपटांग बातें कर रहा है, इकोलेलिया इकोप्रेक्सिया कर रहा है, आप सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन करके इल्यूजन हेलुसिनेशन को ठीक कर देंगे? चलो हो सकता है आपको इसका मतलब नहीं मालूम हो, लेकिन CBT का मतलब तो पता होगा ना, कि नेगेटिव थॉट पर एलिमिनेट करके पॉजिटिव थॉट को इंट्रोड्यूस करना, पॉजिटिव थिंकिंग को, अप्रोच को प्रमोट करना। चलिए ये छोड़िए, आपको पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट का थोड़ा बहुत मतलब पता होगा कि रिवार्ड देना, इनाम देना। क्या इससे कानों में जो आवाज़ें आ रही हैं वो ठीक हो जाएंगी? क्या मरीज को लग रहा है कि वो राजा बन गया है तो वो ठीक हो जाएगा? डिल्यूजन्स ठीक हो जाएंगे? ग्रैंडियोसिटी ठीक हो जाएगी? नहीं। फिर भी जब कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बताइए मेंटल इलनेस का, तो मेंटल इलनेस दो तरह की होती है, साइकोसिस और न्यूरोसिस मेनली, बट साइकोसिस को ही हम प्रॉपरली मेंटल इलनेस मानते हैं, और स्पेशली सीजोफ्रेनिया को। तो उसमें कैसे ये थेरेपी ठीक कर देंगी उस साइकोसिस को, कैसे इनसाइट को प्रमोट कर देंगी? हमेशा साइकेट्री में, या जिसे प्योर मेंटलनेस कह रहे हैं, उसमें आंसर साइकोफार्माकोलॉजी, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, मेडिसिंस, या हो सकता है घुमा के एक शब्द दूसरा यूज़ कर ले, साइकोसोमेटिक थेरेपीज, ऐसे शब्द ही आंसर लगाने हैं। कभी भी साइकोसोशल थेरेपीज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं होगा। तो फिर सर इस टॉपिक का महत्व तो क्या है? ये तो सपोर्टिव थेरेपीज हैं, मतलब एक तरफ दवाइयाँ चल रही हैं जो कि हमारी प्रायोरिटीज़ है, मेडिसिन, साथ में ये सारी थेरेपीज चल रही हैं जिससे पेशेंट की जो रिकवरी है वो बढ़ जाती है। तो दीज आर साइकोसोशल थेरेपी, दैट मींस दीज आर सपोर्टिव थेरेपी। नाम से ही पता लग रहा है ना, साइकोसोशियल, सोशियल मनोसामाजिक, मन की सामाजिक सिद्धांत की थेरेपी, मनोसामाजिक चिकित्सा थेरेपी, यानी ये सब सपोर्टिव थेरेपीज हैं। ये इनसाइट को प्रमोट करने में कंट्रीब्यूट करती हैं, एनवायरनमेंट को मॉडिफिकेशन करवाती हैं, पेशेंट को कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं, पेशेंट के अंदर इनसाइट प्रमोट करती हैं, पेशेंट के अंदर वर्थलेसनेस जो हो गई थी डिप्रेशन में उसको हटाती हैं, उसको फील कराती हैं कि उसकी वैल्यू है समाज में। ये कॉन्फिडेंस इंप्रूव करती है, ये
डर और फोबिया पर काम करती है, ये एंजाइटी पर काम करती है, यानी मैं इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो ये न्यूरोसिस के लिए तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट रखती हैं, बट साइकोसिस में तो हमेशा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस दवाइयां ही होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं साइकोसोशल थेरेपीज। मैंने यहां डेफिनेशन लिखी है, इसका मतलब समझिए, साइकोसोशल थेरेपीज आर ट्रीटमेंट अप्रोच, इलाज करने का एक तरीका होता है, इन विच ए थेरापूटिक रिलेशनशिप मेंटेन, इस इलाज करने के तरीके में एक रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है, लेकिन वो रिलेशनशिप कैसा है, थेरापूटिक, थेरापूटिक मतलब इलाज के लिए डेवलप किया गया एक रिलेशन। किन लोगों के बीच में ये रिलेशन मेंटेन किया जाता है, दो लोगों के बीच में, हमारा थेरापिस्ट और हमारा क्लाइंट, यानी क्लाइंट और थेरापिस्ट के बीच में एक इलाज के लिए बनाया गया रिलेशनशिप, जिससे इलाज किया जाता है ताकि उस पेशेंट का जो बिहेवियर है, जो एबनॉर्मल बिहेवियर आ गया है उसमें, जो माल अडेप्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर आ गया है, जो गलत व्यवहार आ गया है, उसको मॉडिफाई किया जा सके या उसको उसके अंदर से एक्सप्लोर आउट किया जा सके, वो अंदर न दबा रह जाए, जिससे फोबिया एंजाइटी डिप्रेशन जैसी परेशानियां पैदा ना हो जाएं, उस चीज का इलाज किया जाता है। इन थेरेपीज को, इन चिकित्सा पद्धतियों को कहते हैं साइकोसोशल थेरेपीज। एक बार दोबारा, साइकोसोशल थेरेपी ऐसे इलाज करने के तरीके हैं, ऐसे ट्रीटमेंट अप्रोच हैं, जिसमें दो लोगों के बीच में, सर दो ही लोग होंगे क्या, दो लोग का मतलब एक क्लाइंट, अब वो क्लाइंट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि ग्रुप थेरेपी, ग्रुप थेरेपी में एक आदमी थोड़ी होगा, कई सारे लोग होंगे, तो दो लोग का मतलब यहां पर दो फैकल्टी है, दो संकाय है, दो कैरेक्टर है, क्लाइंट एंड थेरापिस्ट, दो लोगों के बीच में एक ट्रीटमेंट अप्रोच डेवलप की है, जिसमें उस क्लाइंट के अंदर जो अबनॉर्मल बिहेवियर आ गया है उसको मॉडिफाई करना है, उसको एक्सप्लोर आउट करना है, इलाज की इस मनोचिकित्सकीय पद्धति को बोलते हैं साइकोसोशल थेरेपी, जो साइकोसिस में तो बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, पर न्यूरोसिस में बहुत इफेक्टिव होती है, या हम कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस माना जा सकता है। अब आप बोलेंगे, सर अभी तो आपने मना किया था ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस साइकोसोशल थेरेपी नहीं होती, मैंने कहा था साइकोसिस में नहीं होती, और साइकोसिस ही तो मेन मेंटल इलनेस मानी जाती है। तो अगर ऐसे पूछे आपसे क्वेश्चन कि मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बताइए, तो कभी भी आप साइकोसोशल थेरेपी आंसर मत लगाना। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि न्यूरोसिस का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बताइए, वहां पर आप यह आंसर लगा सकते हैं साइकोसोशल थेरेपी। साइकोसिस के लिए तो दवाइयां ही प्रायोरिटी या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस मानी जाती हैं। तो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, चलिए चार्ट समझ लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पांच तरह की थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी एंड अदर्स। इंडिविजुअल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी एंड अदर्स। इंडिविजुअल थेरेपी, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इंडिविजुअल यानी कि एक पेशेंट होगा, हमारा क्लाइंट होगा, पेशेंट नहीं बोलेंगे, क्लाइंट बोलेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि उसे कोई मानसिक बीमारी हो, न्यूरोसिस या नॉर्मल प्रॉब्लम्स के लिए भी, एडजस्टमेंट काउंसलिंग वगैरह लेने के लिए भी इन थेरेपीज का यूज किया जाता है। तो पेशेंट ना बोल के क्लाइंट बोलेंगे। तो इंडिविजुअल थेरेपी में एक होगा क्लाइंट, एक होगा थेरापिस्ट। सर ये थेरापिस्ट कौन होता है? थेरापिस्ट मतलब एक साइकोलॉजिस्ट या एक ऐसा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो थेरेपी इंटरवेंशन करता है। वापस आइए टॉपिक पर, तो एक क्लाइंट और एक थेरापिस्ट, दो लोग वाली थेरेपी होगी इंडिविजुअल थेरेपी, जिसमें है चार, साइकोएनालिसिस, हिप्नोसिस, एब रिएक्शन और सपोर्टिव थेरेपी। ध्यान से सुनिएगा, जिसमें है एक ही है, इसी का पार्ट है हिप्नोसिस, इसी का पार्ट है एब रिएक्शन, और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हवा पानी को मॉडिफाई करना है और कुछ नहीं, सपोर्टिव थेरेपी। वापस इंडिविजुअल थेरेपी में एक है साइकोएनालिसिस, इसी के दो पार्ट हैं हिप्नोसिस एंड एब रिएक्शन। ठीक, तो ये तीन पढ़ेंगे, अगर एक समझ में आ गई तो दोनों अपने आप समझ में आ जाएंगी। फिर आएंगे बिहेवियरल में, नाम से ही पता लग रहा है बिहेवियरल, यानी ऐसी थेरेपीज जो मेनली बिहेवियर पे काम करती हैं, जो अनकॉन्शियस लेवल पे जाकर बिहेवियर को मॉडिफाई तो नहीं करती, पर माल अडेप्टिव बिहेवियर पे डायरेक्ट फोकस करती हैं। ये मैंने क्या बोल दिया, इस लाइन को अभी मैं और एक्सप्लोर करूंगा। वापस आइए, अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि ऐसी थेरेपी जो बिहेवियर पर काम करती हैं उन्हें कहते हैं बिहेवियरल थेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थेरेपी, एवर्जन थेरेपी। अच्छा कंफ्यूज मत होना, वहां एवरी एक्शन है, यहां एवर्जन है, दोनों एक जैसे नाम है बट अलग अलग है।
यहाँ एवरी एक्शन है, यहाँ एवर्जन है। एवरी एक्शन एक इंडिविजुअल थेरेपी है, एवर्जन थेरेपी एक बिहेवियरल थेरेपी है। कई बार ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर के आ जाते हैं, तो एवरी एक्शन में हिंट बता दूंगा तो आप भूलोगे नहीं कि वो इंडिविजुअल में ही आएगी, ठीक है। बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट थेरेपी, वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे क्वेश्चन आता ही आता है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, इम्प्लोजिव थेरेपी, जिसके लिए एक कहावत है या एक क्वेश्चन आता है कि भाई फ्लडिंग किसे कहते हैं, तो फ्लडिंग इसी को बोलते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है फ्लडिंग, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ फ्लडिंग, फ्लडिंग इसी को बोलते हैं, ठीक है। एवर्जन थेरेपी, असर्टिवनेस ट्रेनिंग, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली थेरेपी, और शाइनेस और हेजिटेशन को दूर करने वाली थेरेपी। सीबीटी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली थेरेपी, यानी जिसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये होंगी बिहेवियरल में हमारे टॉपिक। ग्रुप थेरेपी में आप देख रहे हो मैंने कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि ग्रुप थेरेपी के टाइप नहीं है, टाइप ऑफ ग्रुप है, मतलब कितने तरह के ग्रुप होते हैं वो इसी में आ जाएंगे, ओपन ग्रुप और होमोजीनस ग्रुप, हेटरोजीनस ग्रुप, वो सब इसी के अंदर ही आ जाएंगे। तो हमने टाइप्स नहीं लिखे हैं, हमने टाइप ऑफ ग्रुप इसी के अंदर लिखेंगे। इंटरपर्सनल थेरेपी, नाम से ही पता लग रहा है, इंटरपर्सनल यानी ऐसी थेरेपी जो इंटरपर्सनली रिलेटेड लोगों को दी जाती है, जैसे हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, ब्लड रिलेटिव्स हो सकते हैं। यानी आईपीआर थेरेपी में दो पार्ट है, मैरिटल थेरेपी एंड फैमिली थेरेपी। फिर है अदर्स, अदर्स में एक सबसे पहले वाली जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, थेरापेटिक कम्युनिटी एंड मिल्यू थेरेपी इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन तो यही आता है पहली बात तो, कि मिल्यू थेरेपी का दूसरा नाम क्या है, तो आंसर जाता है थेरापेटिक कम्युनिटी। लाइट थेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, प्ले थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, बायोफीडबैक और रैशनल इमोटिव थेरेपी, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी थेरेपी मैं और ऐड कर दूंगा, जो जो अलग अलग डिफरेंट किताबों में अलग अलग वे में दे रखी हैं, तो उनको हम सब अदर्स में लिख लेंगे, क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा ना, उसके बाद तो फिर अलग वे में चलेगा टॉपिक, थ्योरेटिकल पोर्शन चलेगा उसके बाद। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है साइकोसोशल थेरेपी। इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो इससे पीछे जो पढ़ा था साइकोफार्माकोलॉजी, एक तो वो समझ नहीं आता, तो वो मैंने अच्छे से डिस्कस किया था और वो अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि ये थेरेपीज ही समझ नहीं आती। डिसऑर्डर तो चलो एक बार कोई स्टूडेंट फिर भी याद कर ले कि ये साइन एंड सिम्टम है, इसमें ये होता है, इसमें ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या कहना चाह रहा है साइकोएनालिटिक थेरेपी में कि अनकॉन्सियस माइंड में जाएंगे और कैथारसिस करवाएंगे, ये कैथारसिस क्या होता है, मेंटल वेंटिलेशन क्या होता है, तो बड़ा ही थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड टर्मिनोलॉजी होती है, मैं कहूँ तो कि टर्मिनोलॉजी ही समझ में नहीं आती, ग्रैस्प नहीं कर पाते, तो ये थेरेपीज पर हम पकड़ नहीं पाते और हम एग्जाम में नोट्स नहीं लिख पाते हैं या कंपटीशन में भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट हम अगर बेसिक बेसिक चीज़ें भी याद रख पाएंगे कि इसमें इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है, इसमें इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है, तो डेफिनेटली ये टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से तैयार होगा। अब सबसे पहले आप ये पूरा चार्ट अच्छे से बनाइए, पूरा चार्ट याद कीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल थेरेपी से, यहां से पहली थेरेपी साइको एनालिटिक थेरेपी से। मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं, पांच तरह की थेरेपी हम पढ़ेंगे, इंडिविजुअल, बिहेवियरल, ग्रुप, इंटरपर्सनल, अदर्स। इंडिविजुअल में एक याद रखनी है साइको एनालिसिस, उसी का पार्ट है हिप्नोसिस, उसी का पार्ट है एवरी एक्शन, और सपोर्टिव थेरेपी कुछ नहीं है। बिहेवियरल में बहुत सारी हैं, इनके अलावा भी हैं जो मैंने लिखी हैं, इनके अलावा भी हो सकती हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट थेरेपी, एवर्जन थेरेपी, असर्टिवनेस ट्रेनिंग, सीबीटी, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन और इम्प्लोजिव थेरेपी। एक बात याद रखिएगा, ये बिहेवियरल थेरेपी है और ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी है, ये और ये अलग अलग है, ये तो टाइटल है, इसके अंदर ये सारी आती हैं और ये अलग है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, एक बार क्या किया एक एग्जाम में, थेरेपी लिख देता हूं, एक बार क्या किया एक एग्जाम में कि इसकी डेफिनेशन दे दी बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी की, ठीक, और पहले ऑप्शन पे ही, पहले ऑप्शन पे ये ऑप्शन में दे दिया बिहेवियरल थेरेपी, और दूसरे तीसरे ऑप्शन पे ये डाल दिया बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी, और स्टूडेंट ने डेफिनेशन तो इसकी पढ़ी लेकिन आंसर क्या लगा दिया बिहेवियरल थेरेपी, तो गलत हो गया ना, क्योंकि बिहेवियरल थेरेपी तो ये भी है, 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 तो इसलिए आंसर हमेशा स्पेसिफिक लगाना होता है, जनरलाइज आंसर नहीं लगाना होता। मान लो वो रिस्ट फ्रैक्चर पूछ रहा है और एक ऑप्शन में दे दे हैंड फ्रैक्चर और एक ऑप्शन में दे दे रिस्ट फ्रैक्चर, तो आंसर क्या लगाओगे, रिस्ट फ्रैक्चर ही तो लगाओगे, आंसर हमेशा स्पेसिफिक लगाना होता है, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन इसमें भी पूछ लिया था, मैं बताऊंगा आपको। चलिए आप यहाँ पे चार्ट को बनाइए, इसे याद कीजिए और फिर हम बढ़ते हैं।